न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। यूपी व उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी के 39 वर्षीय बेटे रोहित का निधन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दिवंगत मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर उम्र 39 साल का मंगलवार को दिल्ली में निधन हो गया। दक्षिण दिल्ली के डीएसपी विजय कुमार ने बताया कि रोहित को मृत अवस्था में मैक्स साकेत अस्पताल में लाया गया था। कुमार ने बताया कि रोहित की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। राहुल गांधी को गाली देने पर हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रमुख पर FIR। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर गाली देने को लेकर हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रमुख सत्यपाल सिंह सत्ती पर हिमाचल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग ने भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर सतपाल को नोटिस दिया। सतपाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मोदी साहब ने कैमरे लगा रखे हैं, वोट नहीं दिया तो काम नहीं मिलेगा, बीजेपी MLA। फतेहपुरा गुजरात से बीजेपी विधायक रमेश कटारा ने जसवंत सिंह भाभोर का प्रचार करते हुए कहा कि आपको कमल का बटन दबाना है क्योंकि मोदी साहब ने इस बार कैमरे लगवाए हैं। उन्होंने कहा आपके बूथ से कम मतदान होता है तो पता चल जाएगा कि किसने वोट नहीं दिया है, जिसके बाद काम मिलना बंद हो जाएगा। 23 मई के बाद प्रधानमंत्री को अलग जेल बनवानी पड़ेगी। यूपी के डिप्टी CM मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेसी 5 वर्ष विपक्ष में रहते हुए सत्ता में आने के लिए बेचैन है, लेकिन 23 मई के बाद जो लोग बेल पर है उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि प्रधानमंत्री को एक अलग जेल बनवानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में राजशाही स्वभाव के लोग हैं। चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है, प्रियंका गांधी को लेकर उमा भारती। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारती ने कहा जिसका पति चोरी के आरोप में हो उसे लोग किस नजर से देखेंगे, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है, हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।